एवरीवन, कैसे आप सब लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग। और पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि कल के जो वीडियो में दो क्लिप्स ऐड हो गई, एक्चुअली कुछ एडिटिंग की और अपलोडिंग की प्रॉब्लम आई। मतलब मैंने उसको कुछ एडिट किया था बट नेट का प्रॉब्लम था, आप देख रहे हो एक दो दिन से वीडियो भी लेट हो रहा था, उसके लिए सॉरी। तो कई लोगों का खैर मैसेज भी आया था उसमें, तो वो लोग बोल रहे थे इट्स ओके, बट हो जाता है कई बार। और अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और 9:30 बजा है और मेरा खाना बन गया है बट मेरा नाश्ता नहीं बना है क्योंकि ये लोग जस्ट अभी उठते जा रहे हैं। 9:15 पे उठे हैं और मैं और मम्मी उठ गए थे 6:30 बजे करीब। और हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम निपटा लिए और खाना बनाया है। खाना मैंने बनाया है दाल चावल सब्जी रोटी, बट रोटी नहीं सेकी है क्योंकि उसके लिए आटा लगा के रख दिया क्योंकि गर्म रोटी सेकेंगे। नाश्ते में मम्मी कह रही थी कुछ चेंज करके बना लो, और वैसे तो तुम वहाँ रहती हो तो इतना नहीं बन पाता है, और हम तो वैसे ही पोहे वोहे बनाते रहते हैं तो कुछ कर लो। तो फिर उन्हें कहा क्या खाना है, तो बोले वो कटलेट्स अभी तुमने रिसेंटली वहाँ पर बनाए थे तो कटलेट्स बना लो। तो फिर हम जा रहे हैं आज, मीन्स आलू भी बॉयल करके रखा है तो बनाएंगे कटलेट्स। और कटलेट तो बहुत सिंपल ही होता है वैसे, मतलब कोई ऐसी नई रेसिपी नहीं है। नॉर्मल वही आलू बॉईल करके थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे बिना, मतलब प्याज व्याज नहीं डालेंगे उस तरीके से। और तो चलिए मैं इन लोगों को कराती हूँ ब्रश और फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए मैंने अपने कटलेट के लिए आलू फ्राई कर लिए बिना प्याज और उसके करी थी, सिंपल सी करी है। और ये देखिए सुबह मम्मी को स्कूल जाना था इस वजह से मैंने दाल बनाई है, इधर आलू परवल की सूखी सब्जी बनाई है। और अब मैं मम्मी के लिए सेक दूँगी पराठे, दो पराठे वो लेके जाती हैं क्योंकि कभी कभी बहुत देर हो जाती है तो फिर वहाँ पे भूख लगती है। तो ये देखिए और हमारे यहाँ पराठे ऐसे ही इस तरीके से हल्के से घी में ही सिकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा पराठे खाता नहीं है हमारे यहाँ बट ले जाने के लिए फिर बन जाते हैं। तो ये देखिए इधर मैं अपने कटलेट बनाने लगी हूँ और इस सब्जी इसमें जिस कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी उसी में मैंने तेल डाल दिया था, इसलिए आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी। कटलेट आपको पता ही है क्रम्स मैंने कर लिए हैं और आलू का से रोल रोल करके जो ये पूरा कटलेट है इस तरीके से ब्रेड का रोल लगा लेना है और इस तरीके से क्रम ब्रेड के जो क्रम्स हो करके ऊपर से डाल देना है, तल लेना है। कटलेट बहुत अच्छे बने थे बेसिकली, एक्चुअली आज जो मैंने क्रम्स थे ना वो थोड़े बड़े बड़े रखे थे, बहुत बारीक नहीं किए थे, इसकी वजह से वो जो कुरकुरापन है वो काफ़ी अच्छा आ गया था। तो ये देखिए मैंने चटनी बनाई थी टमाटर धनिया की लहसुन की और ये रहे हमारे कटलेट, सब बहुत मस्त। कौन सा बेबी आया हन्नू कल के? एच एच हन्नू हन्नू ओह बेबी बेटू देखो इन्हें, चल अब तब पहने दिन। और दिन में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों को सुलाओ फिर इनकी क्लास होती है तो मैं आपको क्या दिखाऊँ रोज़। शाम को आज मैंने फर्स्ट टाइम सोचा है कि आज मैं नान बनाऊंगी, उसके लिए मैंने देखिए मैदा लिया है उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, फिर मैं उसमें ये ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक हल्का सा शक्कर जिससे कि उसमें जो खमीर होता है वो और अच्छा आता है। और इसको अपना दही से करो, दही से मिक्स करो बट ध्यान रहे दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है बेकिंग सोडा। और अगर आपको लगता है कि दही बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आप पानी यूज़ करना चाहते हो तो आप गुनगुना पानी यूज़ करो जिससे कि ये काफ़ी सॉफ्ट होगा। तो ये करीब कम से कम 2 घंटे पहले आप लगा कर रख दीजिए सेम एज़ भटूरों का। तो ये देखिए मेरा जो सॉफ्ट डो है वो बन के रेडी हो गया। इसमें मैं ऊपर से हल्का सा घी मीन्स ग्रीसिंग कर दो या चिकना कुछ भी लगा दो तो आप लगा सकते हो। अब मैं इसको रख दूँगी तो ये आराम से अभी अच्छे से इसमें और ये सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैं कर लेती हूँ सब्जी की तैयारी। तो सब्जी के लिए मैंने तेल डाला है, तेल में फिर मैंने डाला है जीरा राई वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डालूंगी जो हल्दी नॉर्मल और जो टमाटर की हमने प्यूरी बनाई है उसमें मैंने 2 मिर्च डाल दी थी इस टमाटर की प्यूरी में। तो ये देखिए कोई प्याज व्याज नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल में बनाऊंगी तो आप देख सकते हो। और ये जो सुहाना का पैकेट आता है ना इस तरीके के, अगर आप पनीर जैसे ये टिक्का मसाला आता है इस तरीके का मसाला इससे निकलता है, इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करिए। कुछ लोग इसको दूध इसमें ऐड करके ऐसे कर सकते गोल बना सकते हैं, कुछ लोग दही का बनाते हैं पर मैं पानी का बनाती हूँ इसलिए क्योंकि मीठा हमारे यहाँ नहीं पसंद है। मतलब अगर आप दूध यूज़ करोगे तो हल्का सा मीठापन सब्ज़ी में आ जाता है तो हमारे यहाँ नहीं पसंद करते हैं। तो जब देखिए मेरा लगभग आप देख रहे हो जो टमाटर का प्यूरी है वो तेल छोड़ने लगा है तो मैं इसमें यही मिक्स जो मसाला है वो मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और इसके बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है पानी आप उस हिसाब से ऐड करिए। तो धीरे धीरे इसमें जो मसाला अच्छे से पक जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए मैंने इसमें इतना मसाला ऐड किया है और पनीर आप चाहो तो सॉल्ट ऐड कर दिया है, पनीर आप चाहो तो फ्राई करके ऐड कर सकते हो
शैलो फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई कर सकते हो, या नहीं भी फ्राई कर सकते हो, मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो आप बड़े बड़े थोड़े पनीर के वो करिए। मुझे बाद में ऐसा लगा कि शायद मुझे शैलो फ्राई एटलीस्ट कर लेना चाहिए था, बट क्योंकि ये मसाला ज़्यादा ऐसा सोखा नहीं उसने, पर फिर मैंने इसमें पनीर और ऐड कर दिया था। तो ये देखिए अब इसको हम खोलने देंगे। जब तक हमारी सब्ज़ी खोली है तब तक ये जितने जो छोटे थोड़े 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 बर्तन करके तो बहुत सारे निकलते ही रहते हैं, तब तक मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। और जब से लॉकडाउन हुआ है तो इतने बर्तन धो चुके हैं ना, इतना झाड़ू पोछा कर चुके हैं, इतना तो ज़िंदगी भर में कभी नहीं किया होगा। तो ये देखिए हमारे बर्तन धुल गए हैं। और इधर मैं जब ये सब्ज़ी हमारी पूरी पक गई है तो इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ये अच्छे से ऐसे रगड़ के हाथ से डाल दूँगी, जिससे कि जब ये सब्ज़ी ठंडी होगी तो और अच्छी खुशबू और अच्छा इसका टेस्ट और अच्छा गाढ़ापन हो जाएगा। तो आप ये देखिए काफ़ी अच्छी सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। तो मैं बस ये करके और बंद करके खाली प्लेट में रख दूँगी। अब देखते हैं आगे काम, अगर लोग अभी खाने को कहेंगे घर पर सब लोग तो मैं अभी कर दूँगी, नहीं तो इसे आप प्याज और खीरे के साथ सर्व करिए। सिर्फ सब्जी बना के, जो आपने देखा था पनीर मसाला, वो बना के मैं रख के चली आई हूँ। और मैंने वो आटा भी लगा दिया है जो मेरे को आज नान बनानी है। और ये देखिए मैं घर के कपड़ों में जो पहनी थी वो बैठ के जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली हमें इनके लिए कुछ वर्कशीट्स लेनी है, वर्कशीट्स मीन्स इनके लिए कुछ प्रैक्टिस बुक्स लेनी है जिसमें ये थोड़ी सी बच्चों की प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पे जो वो विक्टोरिया मार्केट है वहाँ पे जा रहे हैं। और ये बैठे हैं वेद और आगे बैठे हैं देव अकेले। देव से हेलो। हेलो। ओह वॉच, अरे वाह देखो लाइट वाली वही। तो क्योंकि क्या है, आप अलग अलग तरीके से बच्चों को देते रहते हो ना तो सही रहता है बच्चों के लिए। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं और बस जस्ट वहाँ से आएंगे, बस और कहीं नहीं जाना है, वहाँ से आके फिर खाना वाना बनाएंगे खाएंगे फिर। चलिए देखिए आप भी। निकालो। तो बुक्स ले लिए हमने बच्चों की, एटलीस्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। और हम लोग वापस आ रहे हैं और अभी करीब बज रहा है 9:15। तो बस घर में जाके अभी अच्छे से कपड़े वपड़े चेंज करके खाना बनाऊंगी। तो ये देखिए ये मैं बना रही हूँ नान हमारी, और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था। तो इसको बहुत ज़्यादा पतली मत रखिए, बहुत ज़्यादा मोटी मत रखिए, और थोड़ा काफ़ी देर रखी रही थी इसलिए थोड़ा सा गीला हो गया था मेरा, बट वो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी थी। ऊपर से आप ऐसे अच्छे से पानी लगा दीजिए, और तवा आपको बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जैसे ही आप डालोगे देखिए फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा तवा अच्छे से बहुत गर्म था, तो ये देखिए साइड से ये इस तरीके से फूल रही है। जब आपको लगे कि सब जगह चकत्ते पड़ गए हैं, मतलब सब जगह फूल गई है, तो इसको हल्का सा आप ऐसे कर दोगे, मीन्स तवा उल्टा कर दोगे तो इधर से भी जल्दी से पकने लगेगी। कई बार जो ये देखिए ज़्यादा होता है वो उस जगह से टाक हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए उल्टी तरफ से भी उतनी अच्छे से सिक गई है और इधर से भी सिक गई है। आप चाहो तो इसमें घी लगा कर सर्व करो या बटर लगा के। तो ये देखिए ये रही हमारी सब्ज़ी, एकदम सॉफ्ट सी अच्छी सी सब्ज़ी बनी है। और जिसकी सिर्फ निशू निकी ने तारीफ़ की, नीले ने बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करी, क्योंकि नीले को तो कुछ नया खाना समझ ही नहीं आता। उन्हें तो सब कुछ लौकी तरोई और ये भी सब सेम ही लगता है, मतलब पता नहीं है शायद मेरे हाथ का। तो ये देखिए ये सब ये बनी हमारी नान, और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं था कि टाइट है, तोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, सबसे ज़्यादा टेंशन वही होती है। तो एक अच्छा खाना था और सब लोग काफ़ी खुश हुए थे। और ये बच्चे खेल रहे थे, तो उसके बाद ये जितने कपड़े थे जो दिन भर, मतलब मींस जो रो डेली वाले जो सूखते हैं वो रख रही थी मैं। और ये देखिए साड़ी अभी तक नहीं रखी थी, और उसके बाद मैं इन लोगों को दूध दे रही थी। ये जो आप ऊपर वाला किचन है इसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है कि चाय गर्म कर लो, दूध गर्म कर लो, यही सब है। बाकी तो नीचे वाली किचन में सारा काम होता है, और ये लगभग आप ये मान लो लास्ट काम होता है, मतलब बच्चों के लिए कि बस इन्हें दूध दे दो और बस ये चुपचाप से सो जाएं, खेलें कूदें जो भी करें, और जिससे कि हमें शांति मिले। और ये बच्चे भी समझ जाते हैं आप सोना है। तो मैं आपको बता दिखा देती हूँ क्या लेके आई। 3 दिन से मुझे अपनी यही चुन्नी दिख रही है यार। मुझे ऐसा लगता था मैं माइकन ज़्यादा सज लेती थी, मैं यहाँ सज ही नहीं पाती हूँ। ये सब इन लोगों ने काम करा करा के मेरे को मेरी कैसी हालत कर दी है। देखिए एक एक नहीं लाए, ये 2 पेयर लाए, मीन्स देव और वेद दोनों के सेम है। तो एक हमने ये लिया है,
यहाँ से साइंस टाइप के हैं, ये यहाँ से निकलता है, ये बाटा के, आप ये देखो। तो ये एक्चुअली एक वो मीन्स जब हमने इसको परचेज किया तो इसको सैनिटाइज हमें वहीं करना पड़ा था, ये लोग वहीं से पहन के ही आए थे। तो दो पेयर ये है, ये देव के हैं 10 नंबर और 9 नंबर वेद के हैं। तो ये दो देव के वेद को एक और हमने ये सिंपल से लिए हैं, ये देखिए, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा पैर में ना उसको लाइट वेट ही पहनना होता है, और वेद के चक्कर में वेद को सैंडल दिखाई जा रही है, तो वेद देखो जल्दी से आके खड़े हुए, किसकी सैंडल है, कहीं मम्मा से कह ना दे देव की, नो नो। तो एक ये दूसरी सैंडल हमने ये ली है, ये हमें पड़ी है, वो वाली पड़ी है, मैं आपको बता दूँ, वो पड़ी है 7700 की, और ये शायद है लिखा हुआ है 499, ये है 500 की। तो ये सैंडल पड़ी थी, ऑफ वाला नहीं था, ये ऑफ वाला बहुत बहुत बेकार सा कलेक्शन था, और वो गो कलर्स में दिखा रही थी ना जहाँ से हम लोग लेगी और अपना पैंट लेते हैं, तो मैंने वहाँ से अपनी एक, एक्चुअली मैं पैंट लेने गई थी, पैंट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, बट वहाँ पे पैंट था नहीं, तो ये लेगी ली है, बट लेगी मैंने एंकल लेंथ ली है, तो जो एंकल लेंथ लेगी होती है ना वो ज़्यादा वैसी नहीं होती है। तो ये जो है ये मैंने लिए एल साइज़, तो ये मीन्स काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी अच्छी होती हैं, और ये मुझे पड़ी है 499 रुपीज़ की, अच्छा दिख रहा 499 रुपीज़ की। तो बस यही लिया था, बाकी वो तो ग्रॉसरी का सामान था, ग्रॉसरी का सामान अभी हम लोगों ने ला के पीछे के स्टोर रूम में डाल दिया, स्टोर रूम मीन्स ऐसे ही डाल दिया है, कब एक स्टोर मीन्स कवर्ड्स हैं स्टोर रूम में, वो खुलती नहीं है ज़्यादा, तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे निकालते रहेंगे, अभी कौन सा वॉश करें भरे, तो जो मेन मेन सामान था वो निकाल लिया है। और मैं आपसे एक और एक बात करना चाहती हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक तो मेरी सब्सक्राइबर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, नीलेने मुझे स्पेशली बोला था, उनकी आज एनिवर्सरी है, तो मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे कह रही हूँ, मैनी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आप दोनों को, आप दोनों हमेशा खुश रहो और आगे जीवन में हमेशा ऐसी बहुत सारी एनिवर्सरी साथ में बिताओ। और मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मेरे से कहा था कि दीदी आप अपने पति का नाम क्यों लेते हो, हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता है। तो ये बात सही है, हमारे घर पे भी नाम नहीं लिया जाता है, इवन जब मैं अपने बड़ों के आगे होती हूँ या फिर घर पे सबके नीचे होती हूँ तो वहाँ पे नाम नहीं लेती हूँ। बट कई बार क्या होता है, देखिए जब आप लोग जॉब करते हो या थोड़ा सा ऐसा बाहर निकलते हो ना, तो हस्बैंड का जो नाम या वर्ड है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो आप बाहर ना हर टाइम ऐसे नहीं बोल सकते हो। जैसे मैं निलय को कभी निलय नहीं बोलती हूँ, मैं उनको हमेशा आप करके ही मैं बात करती हूँ, तो वो आपसे समझ जाते हैं। लड़ाई भी ना आप करके ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा प्रेम में यहाँ बोलते हो, लड़ाई भी ना ऐसी होती है, आप यहाँ से आप क्या कर रहे थे, आप ऐसा, तो इस तरीके से होता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि जब कभी आप जॉब या बाहर होते हो तो जब हस्बैंड का नाम आता है ना, तो आपको वहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने, हालांकि कोशिश करते हैं हम लोग, बट निलय वर्ड यूज़ करना ही पड़ता है। घर पे नहीं करती हूँ ऐसे, बड़ों के आगे नहीं करती हूँ, मतलब मीन्स ऐसा नहीं है, आप करके ही बुलाया जाता है, हमारे नाम लिया जाता, बट आप लोगों से जैसे बात करती हूँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बोलूँगी हाँ इन्होंने ऐसा बोला था, तो शायद कुछ लोग नहीं भी समझेंगे, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग भी होते हैं हमारे वीडियोज़ में, हमारे सब्सक्राइबर्स जो होते हैं। तो अगर मैं निलय लेती हूँ ना, तो लोगों को एक तो थोड़ा सा अपनापन सा लगता है कि नहीं, मतलब मेरे माध्यम से लोग, मतलब मेरी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं निलय और ऐसा करती हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। जैसा आपके यहाँ होता है वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है, बिल्कुल हम लोग पतिव्रता टाइप हम लोग को 7 वचन सिखाए जाते हैं, मैंने तो आप लोग के साथ शेयर भी किया है, तो पति का नाम नहीं लेना होता है तो नहीं लिया जाता है, बट आप लोग से बातें करने में या फिर बाहर मिल लेती हूँ। तो चलिए मैं ये आज का जो ब्लॉग है यही एंड करती हूँ, और कल के ब्लॉग के लिए सो सॉरी, क्योंकि उसमें डबल क्लिप्स ऐड हो गई थी, तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी ना नेट और यूट्यूब भी गड़बड़ कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।